नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लीगल लॉ के अंदर। देखिए, आज जो है जिस ज़माने के अंदर हम जी रहे हैं वो ज़माना हमारा जो है साइबर स्पेस का है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये ज़माना जो है हमारा साइबर स्पेस का है। अभी कुछ टाइम पहले जो है मेरे कैसे सब्सक्राइबर का जो है मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने मेरे से कहा, सर ये साइबर बुलिंग क्या होती है? इट मीन्स आज जिस विषय को लेकर आज हम जो है यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय हमारा रहने वाला है साइबर बुलिंग का। तो देखिए, साइबर बुलिंग के बारे में डिस्कस करूं तो उससे पहले एटलीस्ट आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। तो देखिए, साइबर प्लस बुलिंग, ये शब्द जो है दो चीज़ों से मिलकर बना है। इट मीन्स साइबर प्लस बुलिंग। तो यहाँ पर साइबर का मतलब क्या होता है? तो साइबर का मतलब है, जैसा कि आप लोग जो है अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर जानते हैं, साइबर इट मीन्स जो इंटरनेट ऐसे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है किया जाने वाला कोई भी ऐसा काम, दैट इज़ साइबर। वहीं अगर मैं बुलिंग की बात करूं तो बुलिंग का यहाँ पर मतलब होता है किसी को डराना, किसी को धमकाना, किसी को परेशान करना, किसी को जो है कमेंटबाजी करना, किसी की अश्लील पिक्चर्स को जो है पोस्ट करना। तो इस प्रकार से, इस प्रकार का जो हथकंडा जो है अपनाया जाता है लोगों के द्वारा, उसे जो है साइबर बुलिंग कहा जाता है। अब पूरा ओवरऑल जो है इसका मतलब हम लोग जो है समझ लेते हैं। तो देखिए, साइबर बुलिंग का यहाँ पर मतलब हुआ जब ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, या एक्स वाई जेड कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है जब किसी पर्सन को जो है उसकी फ़ोटो पे जो है कमेंट किया जाता है, उसको जो है धमकियां दी जाती है, उसको जो है परेशान किया जाता है, तो ऐसी घटना जो एक पर्सन करता है तो इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो को जो है साइबर बुलिंग के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, जो पर्सन जो है इस काम को करता है, इट मीन्स जो कमेंट पास करता है किसी दूसरे की प्रोफाइल पर, उसे जो है बुलिंग बोला जाता है। इट मीन्स वो पर्सन जो है बुलिंग कहलाता है। और आज जो है, आज जिस वर्तमान परिवेश में हम लोग जी रहे हैं उसके अंदर जो है आप लोग जानते हैं कि आए दिन डे टू डे जो है हमारी एक्टिविटी के अंदर हम लोग ऐसे कई सारे पोस्ट दिखते हैं जिसके अंदर जो है लोग जो है सामने वाले को परेशान करते हैं। आप जो है कोई पिक्चर ऐसी देखते हैं तो उसके नीचे आप ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स भी आप देखते हैं। तो इट मीन्स जब आप उसे देख रहे हैं तो आप ये महसूस कीजिए कि वो जो है साइबर बुलिंग है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी कुछ समय पहले जो है हमारे देश के अंदर नुपुर शर्मा को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद जो है हुआ था। तो इट मीन्स नुपुर शर्मा की पोस्ट के ऊपर जो है कई लोगों ने बड़े गंदे गंदे कमेंट्स किए, उन्हें जो है परेशान किया, ऑनलाइन माध्यम से किया, इवन ऑफलाइन माध्यम से भी किया। तो जो ऑनलाइन माध्यम से जो है परेशान किया, वो पूरा का पूरा जो है साइबर बुलिंग जो है कहलाता है। ठीक है, अब इस साइबर बुलिंग के अंदर होता क्या है? देखिए, लोग जो है इतने परेशान हो जाते हैं, इट मींस कि जब लोगों गंदे गंदे कमेंट किए जाते हैं, उनकी जो है गुडविल को जो है नुकसान पहुंचाया जाता है, तो कई लोग जो है इसके अंदर आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ब्रिटेन के अंदर जो है एक 30 फुट की ऊंचाई से जो है एक जो है पर्सन गिर गया। इट मींस होली ग्रोगन जो नाम का एक व्यक्ति था, और वो सिर्फ इसलिए गिरा क्योंकि उसके स्कूल के जो उसके सहपाठी थे वो जो है उसकी फेसबुक प्रोफाइल पर गंदे गंदे कमेंट्स करते थे। अब देखिए, हमें करना क्या है? इट मींस अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटना घट रही है, कोई आपको परेशान कर रहा है, गलत गलत कमेंट आपके ऊपर पास कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हम इसके बचाव के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, तो हमारे लिए वो जानना भी ज़रूरी है। तो देखिए, बचाव के लिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप जो है किसी भी ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट को जो है एक्सेप्ट ना करें। इट मींस कोई ऐसी अननोन रिक्वेस्ट आ रही है उसे एक्सेप्ट ना करें। सोशल मीडिया पर हम लोग जो है जर्नली देखते हैं कि लोग जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ उसके ऊपर डाल देते हैं, अपने रिलेटिव्स की सारी जो है इंफॉर्मेशन उसके ऊपर डाल दे। तो प्लीज़ आप जो है इस तरीके की जो है ऐसा कुछ भी जो है पोस्ट ना करें, कुछ भी ऐसी चीज़ें ना डालें अपने पर्सनल जीवन की। ठीक है, आप देखिए, पोस्ट जो है, जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं, इट मीन्स वो जो है अपने फ्रेंड तक ही सीमित रखें। कई सारी ऐप्स के अंदर ऐसे ऑप्शंस आते हैं, और फालतू के कोई अगर पोस्ट आपके पास आ रहे हैं तो वो भी जो है आप जो है उन पे जो है रिप्लाई उनका ना दे। आप देखिए, ऐसी परिस्थिति में आपको करना क्या है? मान लीजिए आप जो है इस बात के शिकार हो गए हैं, इट मीन्स कि आपको कोई ऐसे परेशान कर रहा है। अब आपके सामने कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, तो उन ऑप्शन में से आपको क्या सिलेक्ट करना है? तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर कोई कमेंट कर रहा है तो प्लीज़ आप उसका उत्तर ना दें। और मान लीजिए सामने वाले पर्सन ने बिल्कुल जो है हद ही कर दी है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करें? सबसे पहले तो उस पोस्ट को ही आप सेव करें। इट मीन्स जब आप उस पोस्ट को सेव करेंगे तो उस पोस्ट को इन फ्यूचर आप जो है एज ए एविडेंस के तौर पर जो है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये करना है।
फिर अपनी फैमिली को भी आप इन्फॉर्मेशन दें अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, क्योंकि फैमिली ही आपको जो है सबसे पहले सपोर्ट करती है। और ऐसे पर्सन की प्रोफाइल को ब्लॉक कर दे, और उसके बाद भी अगर वो किसी दूसरी प्रोफाइल से इस तरीके की हरकत कर रहा है तो प्लीज़ आप जो है तुरंत साइबर अपने जो भी नज़दीक थाना है वहाँ जाकर आप जो है ऐसे पर्सन के खिलाफ जो है FIR रजिस्टर कराएं। अब देखिए कानून हमारा क्या बोलता है, इट मीन्स हमारे जो IPC है, इंडियन पिनल कोड है, उसके अंदर और हमारा जो IT एक्ट है 2000, उसके अंदर जो है ऐसे कौन कौन से प्रोविज़न किए हैं साइबर बुलिंग के रिगार्डिंग या उससे मिलते जुलते। तो देखिए सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं तो 294, 339, 340 और 324 जो है आप एक तरीके से इम्पोज कर सकते हैं अगर आपको कोई परेशान कर रहा है। IT एक्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए IT एक्ट का सेक्शन 67 जो है ये बोलता है अगर कोई किसी इस तरीके के ऐसे हथकंडे अपना रहा है, इस तरीके से किसी को परेशान कर रहा है, तो उसमें जो है 3 साल की सज़ा और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं IT एक्ट की सेक्शन 67E जो है बोलता है अगर मान लीजिए कोई किसी की पर्सनल तस्वीरों को जो है सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है, किसी को भेज रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे जो है 3 साल तक की सज़ा और साथ ही साथ में 3 लाख रुपये तक का जुर्माना जो है उसके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। और मान लीजिए कोई आत्महत्या के लिए किसी को सारे किसी पर्सन ने आत्महत्या कर ली, तो ऐसी परिस्थिति में IPC का सेक्शन 304, 308, 397 के तहत जो है कार्रवाई की जा सकती है। और मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा केरल पुलिस ने तो एक एडवांस कदम और उठाया, केरल पुलिस अधिनियम के सेक्शन में संशोधन करके 118A के अंदर जो है उसमें ऐड किया, और उसके अंदर अगर कोई पर्सन ऐसी तस्वीरों को भेजता भी है, इट मीन्स मान लीजिए किसी ने स्क्रीनशॉट लेके किसी दूसरे पर्सन को भेज दिया, तो ऐसी परिस्थिति में केरल पुलिस के अंदर, इट मीन्स केरल स्टेट के अंदर जो है इसे जो है ऑफेंस माना गया। 507 के अंदर भी आप जो है IPC के अंदर कार्रवाई कर सकते हैं, जिसके अंदर 2 साल की सजा का प्रावधान है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों के साथ इस प्रकार का कोई भी ऐसी हरकत हो रही है, कोई भी आपको परेशान कर रहा है, तो प्लीज़ आप चुप ना बैठे, तुरंत जो है अपने नज़दीक साइबर थाने के अंदर जो है